फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि का कार्यक्रम राजा पार्क गुरुद्वारे में रखा गया। कार्यक्रम में सिख समाज के अध्यक्ष अजय पाल सिंह, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व चेयरमैन सरदार जसबीर सिंह, पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने शिरकत की। गुरुद्वारे में मिल्खा सिंह के लिए अरदास की गई और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो उपरांत राष्ट्रपति ने उन्हें फ्लाइंग सिख का टाइटल से नवाजा। जसबीर सिंह ने कहा कि बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मिल्खा सिंह ट्रॉफी के नाम से शुरू किया जाएगा और छात्रवृत्ति भी उनके नाम से शुरू की जाएगी। अर्चना शर्मा ने कहा कि फ्लाइंग सिख के चले जाने से खेल जगत में शोक है। इस मौके पर अमरवीर सिंह शंटी, जसमीत सिंह बबलू, हरविंदर सिंह पप्पू, राजिंदर सिंह साकेत, राजन सिंह, रविंदर सिंह, जसबीर सिंह सहित सिख समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहाँ से अनाथ आए थे पाकिस्तान से, कहाँ से उठ के और कहाँ गए। और उसके बाद आपने जब ये ओलंपिक में जब जाना शुरू किया, एक दो बार तो ये मेरे ख्याल ओलंपिक में किसी चौथे नंबर पे आए। उसके बाद इन्होंने थाम लिया भी मैं किसी कीमत पे भी गोल्ड मेडल लूँगा। और आपको पता है इन्होंने कई गोल्ड मेडल लिए। जो एक गोल्ड मेडल उन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक में लिया, उसमें वहाँ के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख का भी से भी नवाजा गया। तो ये तो हमारे लिए आदर्श है। ये पर्टिकुलर समाज के नहीं, ये सब समाजों के लिए एक आदर्श है। क्योंकि भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। हम तो ज़्यादा तो नहीं बात करते, पर हमने ये विचार किया है सारों ने, हमारी जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं जो गुरु नानक देव एजुकेशन बोर्ड के साथ हैं जुड़ी हुई, उनमें हम जो भी बच्चे मिडिल तक जो है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जितने बच्चे जो जीतेंगे, फर्स्ट प्राइज लाएंगे, उनको हम मिल्खा सिंह जी के नाम की ट्रॉफी देंगे। और जो स्टेट लेवल से जीतेंगे उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे स्पोर्ट्स के लिए, ताकि वो आगे पढ़ सकें और आगे स्पोर्ट्स में आगे जा सकें। और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में निवास। जयपुर में हमारे गोपाल सैनिया, जिन्होंने बाद में एशिया के अंदर गोल्ड मेडल दिए, उनको उन्होंने कहा था कि थकने के बाद जो तुम मेहनत करते हो वो तुम्हारे को चैंपियन बनाती है। तो ऐसी उनकी अनेकों दृष्टांत, ऐसी बातें हैं, चाहे सानिया मिर्ज़ा रहे, चाहे विराट कोहली रहे, ऐसे अनेकों अनेक खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे, कपिल देव रहे। तो खेल जगत के आज एक बहुत बड़ा नुकसान है, देश का बहुत बड़ा नुकसान है। वो देशभक्त थे और संवेदनशील व्यक्ति थे। ऐसे हम व्यक्ति को, शख्सियत को नमन करते हैं। और हमारे स्कूलों के अंदर जो स्कॉलरशिप है देने का उनके नाम से जो हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, वो बच्चों में खेल कूद की भावना को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिससे कि वो अपने प्रदेश का भी और अपने देश का नाम ऊँचा करें। ऐसी भावना के साथ हम अनेकों अनेक कार्यक्रम मिल्खा सिंह जी की याद में निरंतर करते रहेंगे। ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हमारा विश्वास। सर, आज अरदास के बाद में उनके परिवार परिजनों से मिलने के लिए क्या हम जो है डेलीगेशन जाएगा? उसका हम करेंगे। हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन जो है, उनके जो बेटे जीव मिल्खा सिंह है, उनकी पत्नी तो चली गई है इस दौरान, लेकिन उनके बेटा और उनकी बेटियाँ यहाँ पर रहते हैं, वो चंडीगढ़ में। तो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले वो जयपुर में जब आए थे तो हमारी शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी वो आए थे। इसलिए हमारी स्मृतियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उन स्मृतियों को हम ताज़ा रखेंगे और उनकी याद को आगे बरकरार रखने और स्थायी रखने के लिए हमारा निरंतर प्रयास। बड़े एथलीट के रूप में उनको जाना गया, सिर्फ भारत में नहीं एशिया में, और उनका सम्मान हर देश में। इसका कारण ये कि उन्होंने अपने आप को निखारा, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो अपने खेल के प्रति समर्पित रहे। और उनकी एक ध्येय वाक्य था जो हमेशा वो कहते थे कि अपने वजूद को बीज की तरह मिटा दो जो पेड़ बनाने के लिए धरती में जिसको बोया जाता है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और संघर्ष से अपने आप को निखारा और अपने वजूद को कायम किया, देश का नाम रोशन किया। आज ऐसी शख्सियत का हमारे बीच से चले जाना एक बड़े दुख की बात है, लेकिन ये बात भी सही कि जो लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी होती है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत होती है। मैं तो ये कहूँगी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश का नाम रोशन करने के लिए क्या जज्बा होता है उसको आत्मसात करें।